हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो आपके संडे को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव जो है बना देगी। आई होप अपना आप सभी अपना संडे जो है एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो आपको थोड़ी इन्जॉयमेंट और थोड़ी नॉलेज आपको दे देगी, ऐसी वीडियो है। तो ये जो वीडियो है वो त्रिपुरा किंगडम की हिस्ट्री के बारे में है और बहुत छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 3 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद करेंगे अपनी बातें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको टाइम से लेके आते रहें। और एक और छोटी सी अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा मेरे नाम के साथ में, न्यूक्लियर एक्टर 2020 के साथ में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं और अच्छा काम करता रहूं। अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो, उसके बाद करेंगे अपनी बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। बहुत पुरानी कहानी नहीं है, उन दिनों देश में राजे महाराजे राज करते थे। कहीं पर वो मालिक थे तो कहीं गोरी हुकूमत, यानी आम आदमी को राहत की कोई गुंजाइश नहीं। इनमें कुछ राज परिवारों की लोग बहुत इज्जत करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रिपुरा की, भारत के राजवंशों में सबसे पुरानी। यहां का देव बर्मन राज परिवार करीब 1500 साल से राज कर रहा था। इस राजवंश में 184 राजा हुए थे और संसार के किसी अन्य राजवंश में इतने राजाओं का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इस राज्य की सीमाएं असम से लेकर म्यांमार तक और पूर्वी बंगाल तक फैली थीं। आज का बांग्लादेश भी इस रियासत में शामिल था। क्या बात है, इतना बड़ा था। 1857 के विद्रोह के 3 साल बाद त्रिपुरा राजघराने के 180वें महाराजा ईशान चंद्र का निधन हो गया। महाराजा ने मौत से पहले भाई बीर चंद्र को राजगद्दी देने का ऐलान कर दिया। लोग इससे चौंक गए। परंपरा के मुताबिक बड़े बेटे ब्रजेंद्र चंद्र को राजगद्दी मिलने की उम्मीद थी। बड़े बेटे को मिलता। ईशान चंद्र के फैसले को उनके पुत्रों ने सिर झुका कर माना और चाचा जी महाराज बन गए। हालांकि चाचा बीर चंद्र ने बड़ा दिल नहीं दिखाया और बेटे राधा किशोर चंद्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके विरोध में भतीजे नवदीप चंद्र कोर्ट चले गए लेकिन हार गए। इसके बाद बंगाल की गोरी सरकार ने महाराजा बीरचंद्र माणिक्य को भतीजे नवदीप चंद्र को गुजारे भत्ते के रूप में 525 रुपए महीना देने का निर्देश दिया। नवदीप चंद्र को कोमिल्ला का राजमहल और कुछ जागीर भी इस शर्त पर मिली कि वो चचेरे भाई राधा किशोर चंद्र के शासन के दौरान अगरतला में पांव नहीं रखेंगे। कोमिल्ला आज बांग्लादेश में है। कोमिल्ला में नवदीप चंद्र बर्मन संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों में रम गए। 1 अक्टूबर 1906 को नवदीप और निरुपमा के घर बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सचिन। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे इसी सचिन को दुनिया ने सचिन देव बर्मन याने एसडी बर्मन के रूप में जाना। तो सही है भाई, इनको कौन नहीं जानता यार, लेजेंड। तो ये है इनकी फैमिली हिस्ट्री। सही है, बहुत नई इन्फॉर्मेशन मिली। सो ये थी वीडियो, सही में बहुत इन्फॉर्मेटिव थी यार। छोटी सी थी पर छोटी सी में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। और एस डी बर्मन की जो वो फैमिली हिस्ट्री है वो मुझे इससे मालूम पड़ी। सही में मुझे इतना था पता कि रॉयल फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं, पर कुछ मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं था पता। तो उनके जो पिताजी थे वो नवदीप चंद्र बर्मन थे और
उन्हें एक तरह से उनके चाचा जी ने चाचा जी ने तो नहीं, मतलब उनके जो बेटे हैं उन्होंने धोखा सा दिया। वैसे चाचा जी ने भी थोड़ा दिया कि गद्दी मतलब उनको न देके अपने बेटे को दे दी, और फिर उनके बेटे ने जो है उनको मतलब अगरतला में जो है पांव रखने से भी जो मना कर दिया। ओके, तो ये पूरी फैमिली हिस्ट्री थी, और 1500 साल उन्होंने जो है राज किया। भाई बहुत लंबा पीरियड है, रियली इतना लंबा पीरियड मेरे को तो याद नहीं कि भाई किसी और किंगडम का हो। नहीं, अगर मैं देखूं अशोका के टाइम पे तो भी 1500 साल तो नहीं होंगे। चंद्र मौर्य नहीं, फौरन में देखूं तो भी नहीं, मतलब सही में मतलब शायद कोई हो, मुझे को मुझे नहीं पता। मुझे मेरी नॉलेज में नहीं कि कोई इतना पुराना हो। 1500 साल बहुत सारे साल होते हैं भाई, इतने साल तक इस किंगडम ने जो राज किया है। और इनकी जो टाइटरी थी वो कितनी दूर तक थी, मणिपुर म्यांमार में, असम में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में भी। हाँ, वैसे मैंने एक आध बांग्लादेशी कॉकब्रोक वीडियोस का ना मैंने जो है देखा है कि वहाँ पर भी बनती हैं। ओके, तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ के लोग जो माइग्रेट किए हैं वो वहाँ जाकर माइग्रेट वगैरह हुए होंगे, पर नहीं, वो पहले त्रिपुरा का ही पार्ट था, तभी वहाँ पर जो है कॉकब्रोक वो कल्चर है अभी वहाँ पर। ओके, सही में बहुत बहुत बढ़िया थी वीडियो। तो एक कॉन्ट्रो मतलब एक ना बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी वीडियो है। मैंने ऐसी मेरी यूट्यूब रिकमेंडेशन में आ गई थी। अब देखो, त्रिपुरा की टेरिटरी इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी, अगर उन सभी टेरिटरीज को जोड़ दें तो बांग्लादेश का भी बहुत सारा हिस्सा जो है वो मतलब त्रिपुरा में आएगा, और असम का भी और वेस्ट बंगाल का भी। पर वो जो वीडियो मैंने देखी थी, पता नहीं वो बांग्लादेशी वीडियो थी शायद, और उसमें एक बेवकूफ़ इंसान था जो ये बोल रहा था कि भाई जो त्रिपुरा के, असम के, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में ऐड होना चाहते हैं। मतलब ग्रेटर बांग्लादेश की बात वो कर रहा था कि ग्रेटर बांग्लादेश के कंसेप्ट में इंडिया के ये जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश में आना चाहते हैं। या कहाँ से भाई, कहाँ से, कहाँ से ये कुछ भी बोल रहा है भाई साहब। वो मतलब यहाँ पर तो मतलब तुम्हारी कंट्री छोड़ के लोग यहाँ आए हैं हमारे देश में, इंडिया में, और यहाँ पर वो इमिग्रेंट हैं, और मतलब हमारे इंडिया के रिसोर्सेस वो यूज़ कर रहे हैं, हमारे जॉब्स वगैरह सब कुछ, और मतलब इंडिया के लोग जो हैं, आप तो जानते होंगे त्रिपुरा के लोग और असम के भी लोग काफ़ी जो है परेशान हैं इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट से, क्योंकि हमारी खुद की जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अब और फॉरेन से बंदे आके हमारे ही रिसोर्सेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम वैसे ही परेशान हैं। और वो भाई साहब बोल रहा है कि नहीं, वहाँ के लोग तो बांग्लादेश में आना चाहते हैं। अरे पागल, तुम्हारे लोग तो हमारे पास आए हैं और हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, क्या लॉजिक हुआ? कुछ भी बोल रहा था वो बेवकूफ़ इंसान। और पता नहीं वो ये सब थ्योरीज जो है कहाँ से बना रहे हैं, और जो भी बांग्लादेश इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं वो ऐसे थ्योरीज तो जो है बिल्कुल नहीं जो बना रहे होंगे, क्योंकि अगर उनको बांग्लादेश में रहना ही होता तो वो छोड़ के इंडिया क्यों आते? तो बांग्लादेश के लोग कुछ अपनी ही थ्योरीज जो है बना रहे हैं कि नहीं, त्रिपुरा के लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, मतलब त्रिपुरा के लोग बांग्लादेश के साथ जुड़ना चाहते हैं, असम के लोग, जहाँ जहाँ बांग्लादेश इमिग्रेंट ज़्यादा है ना आसपास के स्टेट में वहाँ पर। मतलब उस वीडियो में जो है वो था एक बेवकूफ़ सा, वो बोल रहा था कि यहाँ की स्टेट के बंदे बांग्लादेश में आना चाहते हैं। भाई तुझे कुछ नहीं पता, रियलिटी से तो बहुत दूर है तू, बड़ा ही बेवकूफ़ था। आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जाओ और दो कमेंट सेक्शन में भाई उसको थोड़ा ज्ञान दो कि भाई हम क्या सोचते हैं, तू पता नहीं क्या ही सोच के बैठा हुआ है। तो अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।